सोलन के साथ लगते गांव कुंदवा में भू माफिया ने करीब 150 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर हरे भरे पेड़ों को काट डाला है। बताया जा रहा है कि 30 बीघा जमीन पर पेड़ों की बलि इसलिए दी गई कि बिल्डर यहां प्लॉट और फ्लैट बनाकर बेच सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन और कानून को ठेंगा दिखाते हुए बिना किसी खौफ के इन पेड़ों को बेदर्दी से काटा गया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मामले में वन विभाग से एक भी पेड़ काटने की अनुमति तक नहीं ली गई है। ये घटना इशारा करती है कि इतने बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान करना अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि गांव में इतने पेड़ कट जाते हैं और वन विभाग के अधिकारियों को इस बात की खबर तक नहीं लगती। अधिक जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी सतीश ने बताया कि उन्हें जैसे ही पेड़ कटने की सूचना मिली वह मौके पर पहुंचे, पेड़ों की गिनती की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये किसका प्लॉट है और ये पेड़ क्यों काटे गए हैं, ये जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल भू मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। टीम जो है पूरी मौके पे पहुंच गई है और इसमें काफी 31 बीघे जो है पेड़ों का कटान किया गया, जो खेतों के साथ मेड़ों पे है जो पेड़ काटे गए हैं। तो जो मालिक का पता लगा है तो मालिक यहाँ पे नहीं है। काफी मात्रा में पेड़ काटे हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज इसमें ऐसी हैं जिनको कि प्रतिबंधित स्पीसीज में नहीं माना जाता और जो प्रतिबंधित हैं उनके खिलाफ जो है फिर कोर्ट केस भी हो सकता है। पूरा विवरण तो बाद में ही लगेगा हमारे को, डिटेल बनाने के बाद ही पता। वहीं इस घटना पर ग्रामवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि एक तरफ जहां फोरलाइन के निर्माण से हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब गांव भूमाफियों के निशाने पर हैं, जहां वह भी पेड़ काटने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज हिमाचल का पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और खेतों में अब कृषि होने की बजाय कंक्रीट की फसल खड़ी हो रही है, जो गांव वासियों और कृषि दोनों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि उनके साथ लगते जमीन से करीबन 150 पेड़ भू माफिया द्वारा काटे गए हैं, जिसकी वह शिकायत वन विभाग को कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन लोगों ने ये जब रातों रात इतने पेड़ काट दिए हैं, आपको दिख रहा होगा कि कम से कम 400-500 पेड़ काट दिए हैं, हमारा पर्यावरण दूषित कर दिया है। तो हमने सुबह ये फिर DFO साहब से कंप्लेंट की, उनको पूछा कि ये आपसे परमिशन ली गई है, तो फिर उन्होंने मौके पे अपने वन विभाग की टीम भेजती है और देखते हैं क्या होता है, खेती करते हैं। और हम बोलते हैं कि पेड़ एक हमारा बच्चा बच्चे की तरह होता है, क्योंकि जब पेड़ है तभी बारिश है, बारिश है तभी खेती है, अगर खेती नहीं है तो हम लोग आप लोग कहाँ हैं, हम तो किसान हम तो खेती से हैं, मगर अभी इन्होंने इतने पेड़ काट दिए हैं कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे, देखते हैं वन विभाग क्या कार्रवाई करता है। हमारे भू माफिया ने तकरीबन 500-700 पेड़ तो काट ही दिए हैं छोटे बड़े। वन विभाग भी आज जब हमने शिकायत की DFO से तब आए हैं यहाँ पे और तब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो काउंटिंग कुछ हो रही है तो बहुत कम दिखा रहे हैं इसमें पेड़, ताकि फॉरेस्ट विभाग भी से भी अनुरोध है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और हमारा यहाँ का वातावरण भी इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है, हमारी ज़मीनें भी खराब हो गई है, ये सारी कूड़ लगती ज़मीनें हैं यहाँ पे और इसके आसपास जितने भी पेड़ थे, हमारे मकान भी इसके साथ ही लगते हैं, ये सब खत्म नष्ट कर दिए हैं इन्होंने पेड़ काट के।